In Zephaniah 3:19, the Bible says. Zephaniah 3:19 में Bible कहती है. In the very place that your family went through shame, I will give you praise and honor. उसी स्थान पर जहां पर आपका परिवार लज्जा के दौर पर गया, परमेश्वर कहता है वहीं मैं तुम्हें दुगना आदर दूंगा. As Jesus comes into your family, into every member of your home. और जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में आता है, परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आता है. You will have honor in your family. तो आपके परिवार में आपका आदर होगा. Your family is going to be honored. आपके परिवार का आदर किया जाएगा. Everybody will honor your home. और सभी लोग आपके घर का आदर करेंगे. My grandfather was only a secondary grade teacher. और मेरे जो दादाजी हुआ करते थे वो सेकेंडरी के जो है टीचर थे. And they were living in only a one room house with thatched roof. और वो जो थे वो छोटे से घर में रहते थे, छप्पर जो है घास का हुआ करता था. But लेकिन in his young age, उनके युवा उम्र में, he gave his life to Jesus. मेरे दादाजी ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया. Because he said, क्योंकि उन्होंने कहा, I see this Jesus as so saintly, holy, perfect. और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि ये जो यीशु है वो बहुत ही बड़ा संत है, पवित्र है, अच्छा सिद्ध है. I don't see any sin in him. और मैं यीशु में कोई भी पाप नहीं पाता. He is God. और तब उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर है. I give my life to him. और मैं अपना जीवन उनको देता हूँ. And he gave his life to Jesus. और मेरे दादाजी ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया. And God came into the family. और फिर परमेश्वर हमारे परिवार में आया. Filled my father and transformed him. फिर मेरे पिता को परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से भर दिया और उनके जीवन को बदल दिया. Then transform my mother. और तब उसके बाद मेरी माँ के जीवन को बदला. Transform me. और फिर मेरे जीवन को बदला. Today God has blessed us abundantly. और आज परमेश्वर ने हमें बहुतायत की आशीष दी है. From that one room with thatched roof house. और वो एक कमरे की झुग्गी झोपड़ी के जैसा घर. Today God is taking us around the world. और आज ऐसा हुआ है कि परमेश्वर हमें सारी दुनिया भर में ले जाता है. To be a blessing to millions of families. ताकि हम करोड़ों करोड़ परिवारों के लिए आशीष का कारण बन सकें. Because Jesus came into our family. क्योंकि यीशु मसीह हमारे घर में आया. All the dignity, all the honor came from Jesus. हमारा सारा मान सम्मान यीशु मसीह की ओर से आया. Today he will come into you. और वही आज आपके अंदर आएगा. You may say I'm dishonored. आप कहेंगे कि मेरी हर जगह बेइज्जती होती है. Lot of shame and criticism is against me. और मेरे विरोध में बड़ी लज्जा की बातें और निंदा की बातें होती हैं. Jesus says. यीशु मसीह कहता है. When I come into your home. कि जब मैं तुम्हारे घर में आऊंगा. I will give you praise and honor. मैं तुम्हें तुम्हारी बढ़ाई करूंगा, तुम्हारा आदर बढ़ाऊंगा. And Isaiah 61:7 says. और यशायाह 61:7 कहता है. For all the shame that you have gone through. कि वो सारी लज्जा जिसके दौर से होकर तुम गए. I will give you double portion of honor. मैं तुम्हें दुगना आदर दूंगा. Yes, double portion. दुगना भाग देगा. Yes, God is going to give you double honor. हाँ, परमेश्वर आपको दुगना आदर देगा. Shall we all say double honor? सभी कहें दुगना आदर. Do you believe that? क्या विश्वास करते हैं? Do you believe God is going to give you double honor for all the shame? क्या विश्वास करते हैं कि आपकी सारी लज्जा के प्रति परमेश्वर आपको दुगना आदर देगा? Shall we raise our hands and receive this double honor? आइए अपना हाथ उठाकर इस दुगने आदर को हम पा लें. And we'll say double honor. और हम कहें दुगना आदर. God will give you double honor. परमेश्वर आपको दुगना आदर देगा. Double honor. दुगना आदर. Double honor. दुगना आदर. When my father was working in the bank, जब मेरे पिताजी बैंक में काम करते थे, even as a clerk, एक क्लार्क के रूप में, he would go and stand in the street after his office hours and speak about the love of Jesus to other people. जब अपनी ऑफिस से वो छूटते थे, वो सड़कों पर जाकर खड़े होकर जो है लोगों से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताते थे. And his officer did not like it. और उनके जो अधिकारीगण थे उनको ये काम बात अच्छा नहीं लगता था. Though he was shining in the bank. भले बैंक में वो सबसे अच्छे थे. And he was performing. और सबसे अच्छा काम कर रहे थे. When the promotion time came. और जब पदोन्नति का समय आया. The higher officer cut off his name. तो जो ऊंचा अधिकारी था उन्होंने मेरे पिता का नाम काट दिया. And put somebody else from his family line. और उसने अपने किसी रिश्तेदार का नाम वहां पे डाल दिया. My father did not know anything about it. और मेरे पिता को ये सब बात नहीं पता थी. The file went to the highest officer. और फिर वो जो फाइल थी वो ऊंचे अधिकारी के पास गई. The general manager saw the file.
तो जनरल मैनेजर जो था बैंक का, उसने वो फाइल देखी. And he said, why only Dinakaran's name is cut off? तो उसने कहा कि ये केवल दिनाकरन का नाम क्यों काट दिया गया? So the general manager called my father directly. This was about 50 years ago. और तब जनरल मैनेजर जो था उसने सीधे-सीधे मेरे पिता को बुलाया, और ये घटना है 50 साल पहले की. And he asked, और उसने पूछा, दिनाकरन, if I want to promote you, what are the statistics you will give on your behalf? और उन्होंने पूछा कि दिनाकरन, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पदोन्नति करना चाहूं, तो तुम तुम्हारी ओर से क्या संख्या क्या बताओगे? Tell me something about your performance in your work. और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे काम के बारे में तुम कैसा कर रहे हो, जरा मुझे बताओ. My father gave a long list of performance. और मेरे पिता ने जो वो काम अच्छा कर रहे थे उसकी एक बड़ी सूची उनको दी. And he said, और उसने कहा, I knew you are a performer. और उस मैनेजर ने कहा कि मैं जानता हूं तुम अच्छा काम करते हो. And he said, thank you for serving the bank well. और उसने कहा कि इस बैंक में अच्छे से काम करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद. He sent my father away. और फिर उसने मेरे पिता को भेज दिया. And he called the officer who cut off my father's name to his office. और तब जनरल मैनेजर ने उस अधिकारी को, बैंक के अधिकारी को बुलाया जिसने मेरे पिता के नाम को काट दिया था, उसे अपने कार्यालय में बुलाया. And the general manager said, और जनरल मैनेजर ने कहा, Mr. Officer, कि देखो श्रीमान, you have cut off Dinakaran's name. देखो तुमने दिनाकरन का नाम काट दिया है. But this is his performance. लेकिन देखो उसने इतना बेहतर अच्छा काम किया. Now you yourself with your own hand write Dinakaran's name on top in the promotion list. और उसने कहा अब ऐसा करो, तुम तुम्हारे हाथों से दिनाकरन का नाम, ये जो पदोन्नति की सूची है उसमें सबसे ऊपर रखो. And he gave my father the first promotion. और उस जनरल मैनेजर ने मेरे पिता को पहली पदोन्नति दे दी. God honored him. परमेश्वर ने उनका आदर किया. God honored him. परमेश्वर ने उनका आदर किया. God honored him. परमेश्वर ने उनका आदर किया. Yes, people may try to put you down. हाँ, लोग तो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे. But in the same place. लेकिन उसी जगह पर. Same place. उसी जगह पर. Where you have gone through shame. जहां से तुम लज्जा के दौर से होकर गए हो. Because you are faithful in your work. क्योंकि आप अपने काम करने में बहुत ही विश्वास योग्य हो. Jesus will give you the grace to get the promotion. तो यीशु मसीह अपना अनुग्रह देगा कि आपको पदोन्नति मिल सके. He will honor you in your family. वो आपके परिवार में आपका आदर करेगा. He will honor you in your work. वो आपके काम के जगह पर आपका आदर करेगा. Tonight he told me he's coming with you to give you honor in your work, in your family. और आज की रात उसने मुझसे कहा है कि वो आपके साथ आएगा ताकि आपको वो आदर दे सके आपके परिवार में, आपके नौकरी के क्षेत्र में. And the time came. और फिर समय आया. When that officer who cut off my father's name had to serve under my father because my father got all the promotions without any deviation. फिर ऐसा भी एक समय आया कि जिस अधिकारी ने मेरे पिता के नाम को काटा था, वो अधिकारी जो है वो मेरे पिता के नीचे काम करने लगा क्योंकि मेरे पिता को एक के बाद एक प्रमोशन पदोन्नति मिलती चली गई. Double portion of honor for all the shame you go through. और जो भी लज्जा के दौर से आप जाते हैं परमेश्वर आपको दुगुना आदर देगा. God will give it to you. परमेश्वर वो आपको देगा. You know why he will do it? आप जानते हैं वो ऐसा क्यों करेगा? Because Jesus went through shame on the cross. क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर उसी लज्जा के दौर से होकर गया. He died on the cross. और वो क्रूस पर मारा गया. And he hung there without even a dress. और वो नंगा वहां पे टंगाया गया. Though he was perfect. भले वो सिद्ध था. He was holy. वो पवित्र था. Yet he died to carry our shame that we go through in the world. फिर भी वो हमारी लज्जा के लिए उस क्रूस पर मारा गया. Everybody criticized him. सभी ने उसकी निंदा की. Everybody, even the people going in the streets, the scoundrels, they all criticized Jesus. और वो जो सड़कों पर आ जा रहे थे यीशु मसीह को क्रूस पर देखकर, भले वो तो खुद बुरे थे लेकिन यीशु मसीह की वो निंदा कर रहे थे. That's what happens. ऐसा ही होता है. When we go through shame. जब हम लज्जा के दौर से जाते हैं, Unconnected people will criticize us and scandalize us and scoff us. और फिर ऐसे ऐसे लोग जिनका कि कोई लेना देना नहीं है, वो भी आते हैं, हम पर दोष लगाते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारे विरोध में काम करते हैं. Scoundrels will do that. और ये ऐसे बुरे लोग ऐसा करते हैं. Our hearts will be broken.
हमारा दिल टूट जाता है। But our help comes from the Lord. लेकिन हमारी सहायता प्रभु की ओर से आती है। As we are faithful in the family, जैसे हम परिवारों में विश्वासियों के रहते हैं। Faithful in money matters, जहाँ तक पैसे का सवाल है हम विश्वासियों के रहते हैं। Faithful in our work, हमारे काम धंधे में हम विश्वासियों के रहते हैं। Living as a witness for the Lord, even in our work, in our family too. और फिर हमारे काम के क्षेत्र में या परिवार में हम एक प्रभु के उदाहरण के रूप में जीते हैं। The Lord will walk into your home, तो प्रभु आपके घर में आएगा। And lift you up, और आपको ऊंचा उठाएगा। Honor you, आपका आदर करेगा। Give you double portion, और वो आपको दुगना देगा। No man can stop it, और फिर कोई इंसान रुका नहीं सकता। He says in Revelation 3 and verse 8, और वो प्रकाशित वाक्य 3:8 में कहता है, I will set before you my child an open door which no man can shut. और वो कहता है, मेरे बच्चे, मैं तेरे सामने खुला दरवाजा रखूंगा जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकेगा। No man can shut. कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकेगा। No man can shut. कोई मनुष्य नहीं। No woman can shut. कोई स्त्री बंद नहीं कर सकती। I will give you an open door. मैं तुझे खुला दरवाजा दूंगा। I will give you an open door. मैं तुझे खुला दरवाजा दूंगा। Today that open door is coming. और वो आज वो खुला दरवाजा आपके लिए आ रहा है। Great honor is coming. एक बड़ा आदर आपके लिए आ रहा है। Do not be afraid. और इसलिए डरे नहीं। You'll be honored for the sake of Jesus Christ. यीशु मसीह की वजह से आपका आदर होगा। Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका मन व्याकुल न हो। It's because Jesus went through the cross. क्योंकि यीशु मसीह आपकी ओर से उस क्रूस के दौर से गया है। Went through shame. लज्जा के दौर से होकर गया। He will help you. वो आपकी मदद करेगा। He will help you. वो आपकी मदद करेगा। He will lift you up. वो आपको ऊंचा उठाएगा। He will honor you. वो आपका आदर करेगा। Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका हृदय व्याकुल न हो। Would you all say, I want this blessing for my family? और जोर से कहें कि ये आशीष है, मैं अपने परिवार के लिए पाना चाहता हूँ। Transform everyone in my home. हे प्रभु, मेरे घर के हर एक सदस्य के जीवन को तू बदल दे। Cleanse us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध कर। Cleanse us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध कर। Everybody say, cleanse everyone in my family. सभी कहें कि प्रभु हमारे परिवार के हर एक सदस्य को तू शुद्ध कर। Jesus come. Yeshua. He will transform every member of the family. परिवार के हर एक सदस्यों का जीवन वो बदल देगा।